वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी जस्ट मैं अपनी ट्रेनिंग से आई हूँ। आप लोग मेरा हुलिया देखते समझ ही गए होंगे, वन वन आ रखा है, मेकअप कर रखा है। सो मैं जस्ट अपनी ट्रेनिंग से आ रही हूँ एंड आज मेरी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी गई। पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग फ्रेश टुडे। वरना हमेशा मैं ट्रेनिंग के बाद काफ़ी टायर्ड होती हूँ, ऐसे लगता है बस सो जाऊँ या तो कुछ करूँ ना। आई वॉज लाइक आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, सो आई वॉज लाइक लेट्स मेक अ व्लॉग बिकॉज आई एम ट्राइंग कि मैं अब थोड़ा रोज़ व्लॉग शूट करूँ। आप में से काफ़ी लोग बोलते हो दीख रोज़ व्लॉग डाला करो, रोज़ व्लॉग डाला करो। सो हियर आई एम विद अ व्लॉग गाइज। सो आज का नया दिन स्टार्ट करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। This is what I done with my room before going for my training. So I do everything इधर उधर and first thing I'm gonna do is I'm gonna clean my room, जो कि हर वीडियो का एक पार्ट हो गया, because this is not gonna work. No. फाइनली आई क्लियर माई रूम। ऐसा लग रहा है मैंने रूम से कुछ इधर उधर गायब कर दिया है एंड ये वाला मैं यहाँ से अभी इसलिए नहीं हटा रही बिकॉज इसमें चिप्स हैं। तो मुझे जब भी सुबह जाना होता है, मैं ट्रेनिंग से आती हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें से एक चिप्स खोलती हूँ एंड देन खाती हूँ। एंड या थोड़े बहुत बर्तन हैं, वो भी अभी किचन में ले जाके मुझे साफ़ करना है। Yeah, so that's it. I clean my room and also guys, I've got my remaining uniform. Remaining uniform में ज़्यादा कुछ नहीं था but था वो मुझे मिल गया है and I'll show you now. And आज मेरा bag इतना भारी है because इसमें इतना सारा सामान भरा पड़ा है, I'll show you. ये bag मुझसे बंद भी नहीं हो रहा था जब मैं training से आ रही थी and मैंने किसी तरह इसको half बंद किया बस, so that मैं इसको लेके चलूँ. And I got my heels, जो कि मेरे को नहीं मिली थी अभी तक, so I got my heels and so दो shoes pair होते हैं, ground heels होते हैं, cabin shoes होते हैं, तो this is ground heels, मेरे पास नहीं मिली थी. And then I'm so sorry, मैंने ऐसे bag में सब ठूसा हुआ है ना सब कुछ, मम्मी मेरे को पक्का सुनाएंगी, but मेरे पास. And मैंने अपनी ये jacket दी हुई थी alteration के लिए, ये भी मुझे आज मिली है. उसके बाद दिस इज़ माई स्केड्यूल, सो दिस इज़ माई ट्रेनिंग स्केड्यूल, इस पेपर में ही रहता है. एंड आई गॉट माई पजामा सेट एंड मैंने इसको अभी तक देखा नहीं है, तो आई विल शो यू नाउ. सो वी हैव गॉट टू सेट्स ऑफ पजामा एंड पजामा पूरा ही नाइट सूट सेट है. तो जब हमें फ्लाइट में सोना होता है, सो वी हैव टू लाइक जो रेस्ट होगा तो इसी को पहन के सोना होता है एंड वी कैन स्लीप इन यूनिफॉर्म. सो आई जस्ट ओपन इट क्विकली. सो इट्स अ रेड कलर बैग. मुझे लगा था इस हमारे इस मटेरियल का ये लोअर है एंड आई वॉज लाइक शिट एंड दिस इज आवर क्यूट नाइट सूट. सो दिस इज अ रेड कलर क्यूट नाइट सूट एंड हमारे इसके पीछे क्रू लिखा हुआ है. सो इसको हमें पहन के सोना है एंड दिस इज द पजामा. नाइस प्रिंट, आई लाइक द प्रिंट, इट लुक्स सो क्यूट नो. So we have got two and बस अब कुछ दिन में फ्लाइंग भी शुरू हो जाएगी. गाइस, सो अभी मैं फिर से जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे बिकॉज आज मुझे दी ने बुलाया है डिनर पे एंड आप लोगों ने पूछा था कि वो कितनी केयरिंग है. शी इज़ एक्चुअली वेरी केयरिंग एंड शी कॉल्स मी एज हर लिटिल सिस्टर. सो बस अभी डिनर पे जा रही हूँ एंड या शी इज़ ऑल्सो अ क्रू इन एमिरेट्स फ्रॉम लास्ट 6 years एंड उससे पहले वो सिंगापुर एयरलाइंस में थी. सो शी इज़ लाइक वेरी 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 सीनियर टू मी बट शी इज़ सो नाइस. तो अभी मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ एंड अभी मुझे ये लेके जाना है और बहुत कुछ लेके जाना है. चलो चलते हैं. सो हेयर आई हैव टेकन एवरी थिंग एंड इसी को मैं सीधा उठा के ले चलती हूँ. बाप रे, बहुत भारी है, इट्स सो हैवी.
मेरे से 10 गुना ज्यादा वजन तो इस बैग का है। गाइस मैं यहाँ आई तो मेरे को पहले लगा था पनीर बन रहा है, देन बाद में मुझे पता चला कि ये सूरन की सब्जी है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। बट देन दी ने मुझसे कहा कि वो आज ऐसे बनाएंगे कि मैं पक्का खाऊंगी, और मैंने खाई कि नहीं खाई वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, वो आपको मेरा रिएक्शन देख के पता चलेगा कि मेरे को अच्छी लगी या नहीं लगी। और या सो बस सब रेडी हो रहा था यहाँ पर, एंड मैं आप लोगों को दी से बहुत जल्दी मिलवाऊंगी। इट्स जस्ट दैट शी वॉज ऑल्सो टायर्ड बिकॉज वो फ्लाइट से आई थी, तो मैंने कहा कि, और मैं भी थकी हुई थी, तो मैंने कहा कि हम ना कभी अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं। सो शी वॉज लाइक ओके, एंड उन्होंने मेरे लिए अंडा भी बॉयल किया था इन केस मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगी तो मैं वो खा लूं। Yes, you don't like it, then you have anda curry to eat. No, no, I will eat it. Mm-hmm. So that the masala will enter inside. Yes. It will absorb the masala. Yes. So it won't look, taste so plain or, एंड यहाँ दी के घर पे मैं जब आई तो मुझे एकदम दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद दिवाली भी है, एंड उनका घर इतना अच्छे से डेकोरेट था, मतलब एकदम ऐसा फील आ रहा था ना कि जैसे हम दिवाली में अपने घर को डेकोरेट करके रखते हैं, कैंडल्स जल रही थी, एकदम वाइब आती है दिवाली वाली। मम्मी को मैंने बताया मम्मी सूरन के लिए अभी खा लूंगी सूरन, मैंने कहा मम्मी मैं ट्राई करूंगी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा अभी तो अच्छी खुशबू ही आएगी। नहीं मम्मी यार नहीं, अच्छी खुशबू आ रही है मेरे मम्मा के वहां तक की बनी है, लाइक जैसे मम्मा बनाते हैं एटलीस्ट क्लोज टू इट बनी है, एक्चुअली में अच्छी बनी है। हाँ खा रही हूँ। हाँ नहीं पता चलेगा मैं बोल, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी, व्हाट इफ यू डोंट लाइक इट। नाउ माय मॉम इज सेइंग दिस व्लॉग एंड शी मस्ट बी लाइक बेटा तू खा रहा, इसमें से ना प्याज का उसके साथ मजा आ जाएगा खट्टा वाला। Hey guys, so I'm back home and I'm so sorry कि मैं आपको उनसे मिला नहीं पाई, but I will introduce her to you guys for sure. And we आज हम बात ही कर रहे थे कि मैंने उन्हें बोला कि जब आप fresh रहोगे ना, because she came from a flight, long flight, and she was tired. So मैंने कहा जब आप fresh रहोगे तब हम shoot करेंगे, and she was like yes, I'm excited. And अभी उन्होंने मुझे फिर से कल के लिए dinner pack करके दिया है, she's so sweet. So rice and then the sabzi, and then she gave me this kaju katri because she knows, she got to know that I like kaju katri, so she gave me all this and she was like eat it and then I'll come tomorrow and I'll see what we have to make, and I'm like oh you're so sweet. So बस अब मैं भी घर आ गई, मेरे को भी सोना है क्योंकि कल सुबह फिर से मुझे उठ के ट्रेनिंग के लिए जाना है, सो मैं भी थकी हुई हूँ। एंड राइट नाउ आई रियलाइज दैट आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, एंड जो मैंने नहीं किया है, एंड मुझे कल करके लेके जाना भी है, सो आई एम गोना डू इट क्विकली, आई ट्राई टू फिनिश दैट होमवर्क विद इन हाफ एन आवर, या सो दैट मैं जल्दी से सो जाऊँ। गाइस आई एम बैक, सो कल मैं ट्रेनिंग से आई थी एंड मैंने तब अपना व्लॉग शूट किया था, और आज मैं ट्रेनिंग से आई हूँ और अब मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ।
आई नो आजकल थोड़ा सा कंटेंट ऐसे ही आ रहा है बिकॉज मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं घर से कहीं बाहर जाऊँ या फिर कुछ लाइफ में ऐसे इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है क्योंकि बस अब लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं ट्रेनिंग के और आप में से काफ़ी लोग को लग रहा है मेरी फ्लाइंग शुरू हो गए तो अभी शुरू नहीं हुई है अभी मेरे ट्रेनिंग के बस 5-6 दिन और बचे हुए हैं एंड देन मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी एंड देन वी विल स्टार्ट फ्लाइंग सो बस या मे बी बस फ्लाइंग अब जब शुरू होगी तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि रोज़ एक ही जगह रहना वो रोज़ एक इंसान देख देख के बोर हो जाता है बट यू नो जब थोड़ा फ्लाइंग शुरू होगी एक्सपोजर होगा तब थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा मुझे भी लगेगा और आप लोगों को भी लगेगा एंड मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लूँ बिकॉज आप में से काफ़ी लोग जो वेट करते हो जिनको अच्छा लगता है मेरे व्लॉग देखना कम से कम वो लोग देख सकते हैं एंड कुछ खास तो नहीं था ये व्लॉग बट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हो तो और कुछ नहीं बस खुश रहो मज़े में रहो ऐश करो बाय बाय